कौन है एप्पल मैन के नाम से मशहूर हरिमन शर्मा? आपने भले ही इनका नाम न सुना हो, लेकिन आपने इनके द्वारा विकसित किए गए सेब कभी न कभी जरूर खाए होंगे। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव निवासी एक ऐसे प्रगतिशील किसान हरिमन शर्मा की, जिन्होंने न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश में सेब की एक ऐसी प्रजाति की खोज की जिससे कि सेब को गर्म आबो हवा में भी उगाया जा सके। इनके द्वारा विकसित किए गए सेब की प्रजाति का नाम HRMN99 है। बचपन से ही अनाथ हरिमन शर्मा का पालन पोषण उनके चाचा ने किया। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की, फिर उन्होंने खुद को खेती के लिए प्रतिबद्ध किया। खेती ही हरिमन शर्मा की आय का मुख्य स्रोत है। एक दिन हरिमन शर्मा बाजार से आ रहे, उन्होंने फल वाले से कुछ सेब खरीदे। सेब खाने के बाद उन्होंने सेब के बीज अपने घर के पीछे के इलाके में फेंक दिए। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उस बीज से अंकुर निकल रहे हैं और ये देख बहुत आश्चर्य हुआ कि समुद्र तल से 1800 फीट दूर उनके गांव पनियाला जैसे गर्म क्षेत्र में ये कैसे हुआ। ये उनके लिए एक बेहद ही असाधारण घटना थी। उन्होंने उस अंकुर का पालन पोषण किया और अंकुर आने से ठीक एक साल बाद पौधा खिलना शुरू हुआ और उन्होंने 2001 में उसमें फल देखा। पेड़ फलने लगा लेकिन फल का आकार छोटा था। सेब की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्होंने सेब के पेड़ से एक प्लम के पेड़ के तने को ग्राफ्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आप पेड़ में बड़े आकार के सेब उगने शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने उस पौधे को मदर प्लांट के रूप में संरक्षित कर लिया। उन्होंने 2005 तक सेब के पेड़ों का एक छोटा सा बाग बनाया। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि विषम परिस्थितियों में भी सेब की खेती की जा सकती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनके दावों की पुष्टि की और पौधे किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किस्म का पंजीकरण किया और नर्सरी के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की। देश के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में HRMN99 के अनुकूल क्षमता का अध्ययन करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने 2015 से 17 के दौरान 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 1190 किसानों के खेतों और 25 संगठनों में 10,000 पौधे रोपे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल और दिल्ली में सफल फलन देखा गया। हरिमन शर्मा की इस खोज का नतीजा ये है कि आज कई राज्यों में जहां सेब की खेती करना संभव नहीं था, वहां भी HRMN99 की सफल खेती की जा रही है। हरिमन शर्मा देश के कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी इसी खोज के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार